हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे लास्ट टॉपिक हमने आर्किबैक्टीरिया का किया था। आपके इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे से टॉपिक रहते हैं, जो आप लोगों को याद होगा कि हमें किंगडम मोरेरा के अंदर हमें बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया हो गया, साथ में साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इनको भी पढ़ते हैं। ठीक है, किंगडम मोरेरा पढ़ना है ना भाई हमें। तो हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया, आर्किबैक्टीरिया पढ़ लिया, अब हमें साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और पढ़ना है। ये दो टॉपिक और रहते हैं, करेक्ट। तो भाई सबसे पहले हम उठा लेते हैं माइकोप्लाज्मा को। देखो हमने जो बेसिकली बैक्टीरिया हमने इतना लंबा क्यों पढ़ा था, क्योंकि किंगडम मोनेटा के अंदर ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बैक्टीरिया जैसी होंगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जो माइक्रोप्लाज्मा हम अलग से पढ़ रहे हैं उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ी ज़्यादातर वो होती है, लेकिन कुछ एक डिफरेंसेज हो रहे हैं वो हम यहाँ पर बात करते हैं। जो माइक्रोप्लाज्मा होता है, अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, भाई सबसे पहला तो जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। मतलब अगर हम लोग किंगडम मोनेडा को पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म या सबसे छोटे प्रोकैरियोट्स यही होते हैं माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, इनको हम लोग PPLO भी बोल देते हैं। PPLO स्टैंड्स फॉर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये प्लियोमॉर्फिक भी होते हैं। प्लियोमॉर्फिक क्यों होते हैं, क्यों होते हैं प्लियोमॉर्फिक? बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल लाइक द अदर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर हमने क्या पढ़ी थी कि उनके पास सेल वॉल होती है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, बट सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं दीज आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब फॉर्म। ये शेप चेंज कर सकते हैं तो इनकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है, इसलिए प्लियोमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, अच्छा बाकी ज़्यादातर चीज़ें इनके अंदर, अगर हम बात करें, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होते। इसके अलावा बैक्टीरिया में हमने बात की थी कि फ्लैजला होता है, किसी के अंदर होता है किसी के अंदर नहीं होता, इनके अंदर होता ही नहीं है। इनके अंदर फ्लैजला अब्सेंट होता है, फ्लैजिला अब्सेंट। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि ये जो चीज़ है, मैंने धागा सा बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाई हुई, पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई, ये DNA है इनका, ये इनका जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि बैक्टीरिया में याद है मैंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, बट दूसरे तरह के प्रोटीन होते हैं जो उनको बाइंड करके रखते हैं एक जगह पे साइटोप्लाज्म में, लेकिन इनके अंदर वो नहीं होते हैं। इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, ऑयल होके पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ मिलेगा। ओके, तो ये हमारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा है वो न्यूट्रिशन में भी हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। और हेटरोट्रॉपिक में भी, न्यूट्रिशन में भी जो टाइप है वो ज़्यादातर कैसा होगा टाइप,
पैरासिटिक फॉर्म होंगी। हाइटरोट्रॉपिक में भी जब ज़्यादातर फॉर्म मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हाइटरोट्रॉपिक में भी पैरासिटिक फॉर्म मिलेंगी। कुछ एक होती हैं जो सेप्रोफाइट का भी काम करती हैं, सेप्रोफाइट्स होती हैं, सेप्रोफाइट्स मतलब डिकम्पोजिंग में, लेकिन ज़्यादातर पैरासिटिक फॉर्म होंगी, ठीक है। और पैरासिटिक फॉर्म होने की वजह से कुछ एक ऐसे भी होंगी जो डिसीज कोज करेंगी। जैसे अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स के अंदर ये कोज करती हैं प्लूरोनिमोनिया, इसीलिए तो उसका नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स में प्लूरोनिमोनिया कोज करते हैं। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स के अंदर माइकोप्लाज्मा यूरेथ्राइटिस, कोज करती है। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल, ये भी माइकोप्लाज्मा कोज करती है, ठीक है भाई। तो ये हमारा माइकोप्लाज्मा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग कॉमन नेम में ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस करके। अब एक बात ध्यान देना, जो बैक्टीरिया थे जो अपना खाना खुद बना सकते थे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते थे वो हमेशा अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेरा मतलब समझ रहे हो, अनऑक्सीजेनिक मतलब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करेंगे बैक्टीरिया। लेकिन साइनोबैक्टीरिया हमेशा फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑक्सीजेनिक, मतलब ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, जबकि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, इसलिए वो हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया करते हैं अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जबकि जो साइनोबैक्टीरिया है वो करेंगे ऑक्सीजेनिक, मतलब इनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि एवोल्यूशन में सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे, लेकिन वो बैक्टीरिया, मैंने बोला कि बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, ये भी बात सुनी होगी आपने कि पहले के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, तो तब ये आए साइनोबैक्टीरिया आए और उन्होंने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू कर दी। तो यही थे जिन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेके आए हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है एवोल्यूशन में। किस कौन से एवोल्यूशन में, कि इन्हीं की वजह से ये एरोबिक लाइफ आई है, वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करने शुरू की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। कौन, साइनोबैक्टीरिया, ये हर कहीं मिल जाएंगे आप लोगों को, मतलब कॉस्मोपॉलिटन हम एक टर्म यूज करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है जो हर कहीं मिल जाते हो, कि हर कहीं मतलब ठंडे पानी में, गर्म पानी में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, सॉल्ट वाटर में, ठीक है, बर्फ में और गर्म पानी के उसमें, सॉइल में, पेड़ों की छाल पे, हर कहीं मिल जाते हैं कॉस्मोपॉलिटन, हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, ये हर कहीं मिल जाते हैं, ठीक है। और रेड सी का अगर आपने नाम सुना हो, उसका रेड सी का नाम भी इन्हीं की वजह से, कि वहाँ पर एक ट्राइकोडेस्मियम नाम से साइनोबैक्टीरिया की वजह से उसका जो कलर है वो रेड रेड अपीयर होता है, ओके। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने सुन रखी होगी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकते, तो ये ऑर्गेनिजम्स
सिम्बायोन्स का काम करते हैं, उनके साथ में नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उनको दे देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और कई जो चावल की खेती करने करते हैं ना हम जहाँ पे, तो उनको तो इनको स्पेशली इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि चावल अच्छे से हों, उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया को तो हम लोग खाते भी हैं, जैसे स्पायरुलिना, मैं एग्जांपल बता रही हूँ साइनोबैक्टीरिया की, स्पायरुलिना, ठीक है, एनाबीना, नोस्टॉक, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं, इनके अंदर ना एक हेट्रोसिस्ट नाम की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हेट्रोसिस्ट, यही कराती है इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कंसल्ट कर लेना।